और मैंने बताया अगर 5000 लड़के आएंगे 5 घंटे की रेस चलेगी लगभग 11 बजे तक रेस खत्म। ओके भर्ती प्रक्रिया एक्चुअली में बोला जाए तो लगभग 2-3 महीने पहले से हमारी शुरू हो गई थी, जिसके अंदर से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डीएम साहब एसएसपी साहब एसपी यहाँ पे लोकल जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है ये सारे के सारे हमारे साथ में मिलके काम कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर। एंड यहाँ पे तकरीबन 95,000 आवेदकों ने इस बार आवेदन दिया है यहाँ पे, जिसमें सैनिक जीडी कैटेगरी प्रमुख आवेदक हैं। यहाँ पे 11 दिन की रैली हमारी चल रही है, 14 तारीख रात से हम एंट्री शुरू कर देंगे यहाँ पे अंदर आने की। और उनके लिए जो आवेदक हमारे आ रहे हैं उनके लिए हर प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं और उनको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े इसके लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जो मिलिट्री हमारा लोकल मिलिट्री अथॉरिटी है हम लोग सब तत्पर हैं कि कोई परेशानी ना हो कोई कठिनाई का सामना। इसके लिए पानी की प्रबंध सुरक्षा का प्रबंध ट्रैफिक के नियोजन का इसके अलावा खान पीन का शौच का इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अरेंजमेंट कराए गए हैं। सर इसमें कौन कौन से 6 जिले होंगे और दूसरी बात देखी जाए तो दलालों वाली बात निकल कर सामने आती है उसको किस तरह से रोकथाम करेंगे? मेरा जो हमारे आवेदकों का है उनके लिए ये एक मैसेज होगा, कृपया किसी भी दलाल या इन लोगों के उसके अंदर उनके झांसे में मत आएं और गुमराह मत हो उनसे। सेना की भर्ती प्रक्रिया बहुत ही साफ सुथरी और सीधी होती है, आप अपने बलबूते पे ही सेलेक्ट होते हो, इसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आप दौड़ में पास हो तो आप ही पास हो, सिर्फ आपने दौड़ के पास करना है, पहला ये। दूसरा, पुलिस महकमे की तरफ से हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो काफ़ी अलाइव हैं, काफ़ी जागरूक हैं इससे कि यहाँ पे टाउट्स और दलालों का काफ़ी यहाँ पर मूवमेंट होगा, वो इस तरह काफ़ी सेंसिटिव है इस चीज़ पे और उन्होंने एडिक्वेट प्रबंध किए हैं इस चीज़ के लिए। सेना के इंटेलिजेंस एज वेल एज उनके इंटेलिजेंस सारे जो सेना इंटेलिजेंस के जो हमारे दस्ते हैं वो यहाँ पर गश्त लगाते रहेंगे और हमूमन प्रोफाइलेटरी सिक्योरिटी और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे।